कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के टाइम में आम बात है। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो माउस का जिक्र जरूर होगा। माउस के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं। तो चलिए क्यों ना आज हम जानें कि आखिर इस माउस का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, यानी माउस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कंपनी ऊपर और नीचे के कवर को बना लेती है, उसके बाद दूसरा कर्मचारी इस बात की जाँच करता है कि किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं, यानी माउस के मैन्युफैक्चर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसके बाद बारी आती है उसके सभी पार्ट्स को उसमें एडजस्ट करने की, जो कि एक एक करके किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की मदद से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से उसका मैन्युफैक्चर होगा, यानी किस तरह से उसमें सभी पार्ट्स को एडजस्ट किए जाएंगे। इसके बाद इसमें सभी तरह के कंपोनेंट्स को लगाया जाता है जिससे कि माउस काफी आसानी से काम कर सके। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके इस बात की पुष्टि की जाती है कि सभी कंपोनेंट्स अपनी जगह सही तरीके से लगे हैं या नहीं। उसके बाद इसमें वायर लगा करके इसे पूरी तरीके से पैक किया कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी में बारी आती है इसमें वायर लगाने की। वैसे तो वायरलेस माउस भी आते हैं लेकिन ये वायर वाले माउस के बारे में है। तो उसके बाद इसमें वायर लगाए जाते हैं जिसके बाद माउस का प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है। अब बारी आती है उसकी चेकिंग की। चेकिंग करके इस बात को निश्चित किया जाता है कि सभी माउस सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद इसे पैक करके आपके घरों तक पहुँचा दिया जाता है।